ये रिपोर्ट लेकर के आए हैं हमारे व्यूवर्स हैं और कालागढ़ से है ना। टाइफाइड है 3 सालों से, 3 सालों से, 5 साल से। पांच इनकी रिपोर्ट सीधी सीधी पॉजिटिव है, ये देख सकते हैं आप, विडाल टेस्ट इज पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन ये बता रहे हैं, कुछ डॉक्टर बताते हैं कि टाइफाइड है, कुछ नहीं है, तो हम अब नब्ज देख के क्लियर करेंगे कि कैसे टाइफाइड को पहचाने, अगर टाइफाइड है तो इनको क्या क्या परेशानी हो सकती है। सबसे पहले हम इस तरह से ये लाएंगे और ये 3 फिंगर, 1 2 3, ये 3 फिंगर, ये अंगूठे को लाएंगे यहाँ पर रेडियल आर्टरी पे, यहाँ रखेंगे तो इनकी जो नब्ज़ है वो धड़कती हुई महसूस हो। यहाँ से हम महसूस करेंगे और इनसे मालूमात हासिल करेंगे कि ये परेशानी है। देखिए, जब मैंने नब्ज़ पे हाथ रखा है आपके, तो नब्ज़ जो है तेज़ चल रही है और अच्छे से आपकी नब्ज़ जो है गर्म मिजाज की तरफ चल रही है, ठीक है। तो इसका मतलब आपके बॉडी में गर्मी हो चुकी है अच्छी खासी, है गर्मी, थोड़ा सा इधर कोई बना वीडियो, नहीं है गर्मी है आपके जी, ठीक है, आपने तो नहीं बताया मुझे। उसके बाद आपकी ज़बान भी कड़वी रहती होगी जी, जैसा मैं नब्ज़ से महसूस कर रहा हूँ वो बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको गैस और एसिडिटी की शिकायत 100% होगी, ऐसा है जी, खाने में स्वाद नहीं आता बिल्कुल, बिल्कुल आएगा ही नहीं, क्योंकि आपके बॉडी की हीट जो है ना वो बढ़ चुकी है। अब ये सिर्फ टाइफाइड ही नहीं है, इसमें दूसरी परेशानियां बना दी है, टाइफाइड नहीं है सिर्फ ये, आपको शुरुआत हुई थी टाइफाइड की, लेकिन अब ये सिर्फ टाइफाइड नहीं है, इसमें आपकी बॉडी में बहुत सारी दूसरी बीमारियां पैदा कर। अब इसी वजह से जैसे मैं नब्ज़ से देख रहा हूँ, मुझे जो महसूस हो रहा है, इससे आपको कब्ज़ भी रहता होगा, लैट्रिन टाइट आती होगी, आपने तो नहीं बताया ना मुझे, मैं बता रहा हूँ नब्ज़ देख के, आपने सिर्फ टाइफाइड की रिपोर्ट रखी मेरे सामने। बहुत सारे लोग हमारे कहते हैं कि आप कैसे पहचानते हैं, तो ये बताएं, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। हालांकि अभी मैंने आपका इलाज नहीं किया और मुझे उम्मीद है आप बहुत आसानी से ठीक हो जाएंगे, जो मर्ज़ है। पेशाब भी पी लाता होगा, पेशाब के बारे में भी आपने नहीं बताया, आप कहाँ से हैं? कालागढ़, बिजनौर ज़िले से, बिजनौर ज़िले से स्पेशली टाइफाइड का इलाज कराना है, ठीक है। और इसके अलावा वीकनेस भी बहुत है आपके, बहुत, हालांकि आपकी नब्ज़ तेज़ चल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको वीकनेस है, क्योंकि ये एक आम बात है टाइफाइड में हो भी जाती है, ठीक है। ये जो सारी परेशानी मैंने बताई है, ये आपने तो नहीं बताई जी, नहीं, सारी परेशानी है आपके अंदर जी, ठीक है। अब अगर मिजाज की बात मैं करूँगा, तो आपका मिजाज यहाँ पर गर्म खुश्क हो चुका है, हालांकि टाइफाइड के दौरान उस वक्त जो बिगड़ा होगा वो उस वक्त का होगा 4-5 साल पहले, लेकिन आज के दौर में जो मिजाज बिगड़ चुका है ना आपका, वो गर्म खुश्क हो गया है, और बॉडी के अंदर इतनी गर्मी खुश्क हो गई है कि आपको हर वक्त प्यास भी लगती होगी, लगती है प्यास, सर्दियों में भी प्यास लगती होगी, गर्माहट बहुत रहता शरीर में, हाँ शरीर गर्म रहेगा भाई, गर्म खुश्क मिजाज है, खुश्क है यानी कि प्यास लगी, खुश्की है बॉडी में, और गर्मी है तो मतलब हीट महसूस होगी, बहुत ये सारी दिक्कत है। अब इंशाल्लाह बहुत आसानी से आपका इलाज होगा सर्द तर दवाओं से, ऐसी दवाओं से जो ठंडी भी होंगी और मुकव्वियात दवाएं होंगी, ताकत देने वाली, जो हमारे इम्यूनिटी पावर को ताकत देंगी, बहुत बिगड़ी, क्योंकि इसमें क्या होता है इम्यूनिटी पावर बहुत कमज़ोर हो जाता है। अब आपका इम्यूनिटी पावर इतना कमज़ोर हो गया है कि आप बुखार की दवा लेते लेते परेशान हो जाएंगे, लेकिन ठीक नहीं होता होगा, बिल्कुल ये ऐसा ही है ना। चलिए खैर, अब दवा शुरू करते हैं। ये देखिए, हमने डायग्नोस में भी लिखा है इनका मिजाज गर्म खुश्क है, फिर चमककर ख़राब हो जाएगा वीडियो, खराब हो जाएगी, गर्म खुश्क मिजाज है, ठीक है। टाइफाइड फीवर, वीकनेस, कॉन्स्टिपेशन भी है इनको, और जाहिर सी बात है गैस की परेशानी है। अब दवाओं की तरफ जब चलेंगे, तो हमने खमीरा मरवारी, शरबत दीनार, माजून दविदुलवर, दाफे बुखार, शरबत खाकसी, ये सारी दवाएँ दी। अब हमें इनका, हालांकि जो खमीरा मरवरीद है वो इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएगा, लेकिन यहाँ पर एक इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए थोड़ी सी और दवा ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि वीकनेस ज़्यादा है, हमें ताकत बॉडी में देना है ताकि इनका मर्ज को ख़त्म किया जा सके। तो एक सिरप हम यहाँ और भी दे सकते हैं अपने हिसाब से, 110 दे सकते हैं या शक्ति टोन दे सकते हैं, ठीक है। दवाओं की अगर हम बात करें, तो दोस्तों खमीरा मरवरीद हमने 4-4 ग्राम सुबह शाम दिया है, ठीक है। शरबत दीनार
क्योंकि ये लीवर पर इफेक्ट हो चुका है इनके इनके टाइफाइड की वजह से। 10-10 ml सुबह शाम माजून दविदुल वर्द, 10 ग्राम सुबह नाश्ते के बाद, दाफे बुखार टैबलेट 1-1 गोली सुबह शाम, शरबत खाकसी 10-10 ml सुबह शाम, और एक मल्टीविटामिन में हमने एक रेक्सोटोन सिरप दिया है। ठीक है, उम्मीद है आप वीडियो को शेयर करेंगे। अगर इलाज की ज़रूरत है तो आप कॉन्टैक्ट करें। शुक्रिया।